तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा जो प्रिंटर इसमें ये जो पाइप है इंक का, उसमें एयर आ गया है और ये नंबर है G3012, मॉडल नंबर है प्रिंटर का। और ये नया ही है, मैंने एक्चुअली महीना भर यूज़ किया है इसको। प्रिंट निकालता रहता हूँ रेगुलर, फिर भी कभी 4-5 दिन का गैप हो जाता है। बीच में कुछ 10-12 दिन का गैप हो गया था, मैं बाहर कहीं गया हुआ था घूमने, इसलिए। बट प्रिंट उसके आने के बाद कम से कम 50-60 प्रिंट निकाला मैंने। बट अभी मैं देख रहा हूँ इसको खोलने एक बार, एक्चुअली पेपर जाम हो गया था, तो पेपर जाम के लिए मैंने उसको खोला तो देखा ये इंक एक्चुअली सर्कुलेट नहीं हो रहा है। ज़्यादातर मैं ब्लैक प्रिंट करता हूँ, कभी कभी ब्लू येलो ये सब कभी बाय चांस, तो ब्लैक में तो आ रहा है परफेक्ट। तो मैंने एक फ़ोटो प्रिंट किया तो मैंने देखा उसमें रेड बिल्कुल नहीं आ रहा, रेड उसमें आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि ये जो पाइप है इसमें इंक प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं हो रहा, तो वो कैसे किया जाए। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ फर्स्ट आपको क्या करना है, जो इंक वाले बोतल हैं उसको खोलना है, ऐसे थोड़ा खोल के फिर क्लोज कर देना है सब के सब, ताकि जो एयर है वो इसके अंदर से जो कम हो गया है वो सही से बैलेंस हो जाए। ठीक है, सबको खोल के बंद कर देना है, ब्लैक वाले भी इसी तरह से खोल के बंद कर दिया। मैंने एक्चुअली कर दिया है इसलिए दोबारा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में प्रिंटर को कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद में मेन जो प्रोसेस है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ आपका इस तरह से आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे सेटिंग्स का बटन दिखेगा इस तरह से, तो सेटिंग वाले को इस तरह से एक बार क्लिक करना है, तो यहाँ पे सेटिंग दिखेगा। उसके बाद में ये प्लस का जो बटन है उसको 9 बार प्रेस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार प्रेस करेंगे तो एक पहले था तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जब ये 9 बार प्रेस किए, उसके बाद में ये कलर पे आके एक बार प्रेस करना है, तो जैसे कलर पे प्रेस करेंगे ये प्रोसेस इस तरह से चालू हो जाएगा। ये प्रोसेस कम से कम 10 या 15 मिनट लेगा, इस तरह से ये मशीन आवाज़ करेगी। आपको कहीं भी पावर ऑफ नहीं करना है, कहीं से भी इसको खोलना नहीं है दोबारा, कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो काम हुआ ये करके बैठ जाना है 10 मिनट तक, और जब तक ये अपना आवाज़ करना बंद ना हो जाए तब तक आपको वेट करना है, और यहाँ पे एक सिग्नल आ जाएगा तब तक आपको वेट करना है। ठीक है, तो वीडियो में यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, 10 मिनट के बाद देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये लगभग 10 मिनट हो चुका है और वो जो आवाज़ आना और वो प्रोसेसिंग जो था वो कम्प्लीट हो चुका है। अभी फिर जो पहले के कंडीशन में था वो कंडीशन में आ गया है, एक नंबर लिखा है, वाईफाई दिखा रहा है। तो अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर का कंडीशन क्या है, इसमें इंक आ गए हैं कि नहीं आए हैं। जी फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे दोस्तों, आपके सामने है, ये देखिए सारे के सारे पाइप में जो इंक है वो फिल हो चुके हैं। बस यही था प्रोसेस इस एयर बबल को हटाने का। जब भी ऐसा हो तो आप इस तरह से इस प्रोसेस को दोहरा के आप अपना जो एयर बबल्स हैं इस पाइप के अंदर वो निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो फ़ोटो है इसको हम प्रिंट करके देखें बिल्कुल कलर में, और कलर में हम फोटो प्रिंट करेंगे तो बिल्कुल पता चलेगा कि ये जो है कलर बिल्कुल सही आ रहा है या ख़राब आ रहा है, पूरा पता चलेगा। ठीक है, तो हम प्रिंट दे दिए हैं। प्रिंटर हो गया चालू और प्रिंट होना चालू हो गया, अभी देखते हैं प्रिंट कैसा निकलता है, क्योंकि पहले तो रेड आ ही नहीं रहा था, येलो आ रहा था, ग्रीन आ रहा था, लेकिन रेड नहीं आ रहा था। अभी देखते हैं रेड आता है कि नहीं। जोरदार प्रिंट है ये, जोरदार। हाँ तो फ्रेंड्स परफेक्ट रेड कलर रेड में ही आ रहा है, और टेस्ट प्रिंट लिया है इसमें भी सारे के सारे कलर सही आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।